कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर है, जहां उन्होंने कारगिल के जनसभा में भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वायनाड राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, लेकिन पीएम इस मामले में सफेद झूठ बोल रहे हैं कि उनकी एक इंच जमीन भी चीन में कब्जा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी हाउस बोट और होटल में दो दिन बिताने के बाद नई दिल्ली लौट जाएंगे। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का एक इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।